नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजे सिंह आजाद। और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में खुर्जा तहसील के गांव धराऊ में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन 15 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अस्पताल चालू नहीं किया गया और ना ही अस्पताल में कोई डॉक्टर आता है। अस्पताल की बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनवाया गया था, लेकिन बावजूद इसके यह सरकारी बिल्डिंग स्वास्थ्य महकमे की सफेद हाथी की तरह साबित हो रही है। इस करोड़ों रुपए के सरकारी बजट से बने प्रोजेक्ट का स्वास्थ्य विभाग कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है, जबकि कोरोना काल में प्राइवेट जगह कोरोना के अस्पताल बनाए हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग लंबा चौड़ा किराया भी दे रहा है, लेकिन अपनी इस खाली पड़ी बिल्डिंग में ना तो कोई कार्य कर रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में ताले लगे हुए हैं और अब बिल्डिंग भी लगातार मरम्मत ना होने के कारण जर्जर होती जा रही है। गांव वालों का कहना है कि अगर यह अस्पताल चालू हो जाए तो लगभग 1 लाख की आबादी को अस्पताल में खासा फायदा होगा और कोरोना काल में भी लोग अस्पताल का उपयोग कर सकते हैं। कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रमोद सोलंकी। प्रमोद जी, कौन सा गाँव है? धराऊ। ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जी, इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। कभी डॉक्टर आए यहाँ क्या है? नहीं जी, कब से नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर साहब तो हो गए यहाँ पे कम से कम, जब से बना जब से आए नहीं डॉक्टर तो यहाँ पे हो गए कम से कम 15 साल तो मान ही लो। कभी शिकायत की आप लोगों ने? कभी डॉक्टर आके बैठे यहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काली सिंह है, प्रधानपति। ये कौन सा गांव है? धराऊ। ये आपका उप स्वास्थ्य केंद्र है, पूरी तरह देख रहे हैं आप किस तरह इसकी हालत पड़ी है, तो क्या है पूरा इसका गांव? सर, इसमें कोई भी डॉक्टर आए ना बैठा नहीं है, 15 साल से बिल्कुल चालू हुआ नहीं है। किसी भी तरीके से सुविधा यहाँ मिली नहीं रही किसी भी, और थोड़ा छोटे मतलब किसी भी छोटा सा भी बुखार आता, किसी भी तरीका की बीमारी होती है तो खुर्जा जाना पड़ता है सर। अच्छा, यहाँ कोई भी लाभ नहीं मिल रहा किसी को भी, पूरे गांव में किसी भी तरीका से किसी भी उसके कोई लाभ मिल ही ना रहा है इसमें। और कई बार सूचना दे दी गई है, धरपा हॉस्पिटल में भी दी है, बुलंदशहर भी सूचना करी है लेटर के माध्यम से भी, और सामने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है उन लोगों से, तो कोई भी सुनवाई हुई नहीं सर। क्या जवाब मिलता है? कोरोना की बोले ठीक है हाँ, अब ये एक बार बीच में बोला था पिछले साल तो बोला कि कोरोना की महाबीमारी चल रही है सर, इस पे हाँ डॉक्टर बैठाए जहाँ बुखार चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं। बोले ठीक है देखते हैं, एक दिन आई थी उसके बाद ताला लगा के आज तक कोई आया नहीं है सर। इसे ऐसे लग रहा है इसमें तो पेड़ रू कितने खड़े हैं जी सर, हालत गंभीर दिखाई। जब से बना इसमें कोई आया नहीं है अभी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुधीर सोलंकी। कौन सा गाँव? गाँव धराऊ। क्या है अस्पताल पूरी तरह बंद पड़ा है? भैया जी, जब से ये अस्पताल बना है यहाँ पे, एक बार ये ओपन किया था, इसे करीब 10 साल के करीब हो गए हैं। दो ये इससे पहले हमारे प्रधान थे ब्रजेश कुमार, उन्होंने इसका प्रस्थान पास किया था, उसके बाद में उनके पंचवर्षीय योजना पार हो गई, उसके बाद में ये प्रधान रहे प्रेमपाल, उन्होंने इसका निर्माण कराया, फिर उसके बाद में ये बना, उसके ओपन बन सारी बिल्डिंग मरम्मत करने के बाद में सब कुछ ठीक था, फिर इसमें जो एक दिन के लिए ओपन हुआ उसमें थोड़ा बहुत टैबलेट वगैरह आशा वगैरह आई थी, उन्होंने यहाँ थोड़ी बहुत लेडीज़ों के लिए वितरण किया जो भी उन पर मेडिकल वगैरह थी, फिर उसके बाद में ये इसमें ताला डाल के वो चले गए। अब आपके सामने ये प्रेजेंट में दिख रहा है, देखिए इसकी हालत। रात में अगर कोई ग्रामीण बीमार हो जाए, जी जी जी, हो जाए तो किस तरह से आप लोग इलाज कराते होंगे? जी जैसे रात में कोई बीमार होता है तो किसान है यहाँ के गांव में, किसान छोटे छोटे किसान हैं, तो इमरजेंसी में जो सीरियस होता है तो उसके लिए एक गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी महंगी है, 1500 से 2000 रुपये में गाड़ी होती है खुर्जा के लिए, फिर वहाँ जाके मेडिकल में भर्ती करते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। कभी शिकायत की आपने कोशिश? हाँ, शिकायत भी की लोग बागों ने, सब ने, प्रधानों ने, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। जीतू सोलंकी। जीतू कौन सा गाँव है? धराऊ। ये देखा जा रहा है ये जो स्वास्थ्य केंद्र है उप स्वास्थ्य केंद्र, बुरी तरह हालत गंभीर है इसकी, तो क्या है? कभी डॉक्टर आते हैं नहीं आते? देखो जी, जब हमने तो यहाँ कभी कोई आता जाता देखा ना, बाकी जितने भी हमारे परिवार वाले हैं, चाचा ताऊ बहन और गांव वाले सब खुर्जा बुलंदशहर ही जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता जी। जैसे रात बरात में अगर कोई आदमी अगर इमरजेंसी बीमार हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, कुछ खुर्जा या बुलंदशहर या दिल्ली, बाकी और हमारे परिचित हैं जैसे किसी से मदद लेते हैं, डॉक्टर हैं, जानने वाले हैं, हमारे एक भाई हैं अनुज पत्रकार साहब जो हैं, उनके भाई हैं जो GTB हॉस्पिटल में, कई बार उनसे फ़ोन से संपर्क या उनसे टैबलेट ले ली, जैसे तैसे काम चलाते हैं बस। कि भाई जैसे कभी कोशिश की है अधिकारियों से शिकायत करने की कि ये खुले गांव में सुविधा मिले? हाँ, हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने सभी ने कोशिश करी है, और कई बार
यहाँ पे सीएमओ साहब को भी कंप्लेंट दी है, बट कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और अब आपसे उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से कुछ हो जाए। फिलहाल तो इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।